दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेन लाइब्रेरी में। और आज मैं आया हूँ श्री माता पूर्णागिरी माता रानी के दर्शन करने के लिए। यात्रा ट्रैक के एंट्री पॉइंट पे हूँ और यहाँ से मेरी यात्रा शुरू होती है। दोस्तों सामने अन्नपूर्णा चौथी है जिसमें माता रानी का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों फाइनली मैं पार्किंग स्टैंड पे पहुंच चुका हूँ और आपको यहाँ से आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ेगी। दोस्तों फाइनली हम माता रानी के मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे से पैदल ही जा सकते हैं, बाकी पार्किंग गाड़ियों के पीछे रह गई है। सामने भैरव मंदिर। गाइस मैंने फाइनली प्रसाद ले लिया यहाँ से रखा रखा और ये मेरा प्रसाद है। मैं माता रानी के भवन की तरफ जा रहा हूँ और ये आ गया मेन गेट। दोस्तों अभी मैं मंदिर के प्रवेश द्वार पे हूँ और यहाँ से दो रास्ता, यानी एक है पुराना रास्ता, दूसरा है नया रास्ता। नया रास्ता करीब आधा किलोमीटर लंबा है और इस पर आपको धर्मशाला वगैरह देखने को कुछ नहीं मिलेगा। Thank you.
दोस्तों फाइनली मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करने के लिए मुझे करीब 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ा। उसके बाद में मुझे माता रानी के दर्शन हुए हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। दर्शन करने के बाद में मैं वापस अपनी धर्मशाला की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ जो कि नेपाल में है और मैंने सिद्ध बाबा के दर्शन कर लिए हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, जब तक के लिए बाय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।